गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। अर्थात मेरे सामने गुरु और ईश्वर दोनों खड़े हैं, मैं सबसे पहले किसके चरण स्पर्श करूं। तब कबीर जी कहते हैं कि मैं अपने गुरु पर ही बलिहारी जाऊंगा, क्योंकि उन्होंने ही मुझे ईश्वर से मिलने का रास्ता दिखाया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोबिन और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कबीर दास जी की। गुरु को ईश्वर से बड़ा दर्जा देने वाले समाज सुधारक और महान कवि कबीर दास, जिन्होंने अपने दोहों से लोगों को जीने का सार बताया है। कबीर जी भारत के इस स्वर्णिम इतिहास के वो रत्न हैं जिनकी वाणी और उपदेशों को लोग आज भी दिल से मानते हैं। दोस्तों, कबीर दास जी भारतीय समाज के बहुत बड़े समाज सुधारक रहे हैं। भक्ति आंदोलन में उनकी अहम भूमिका रही है। उन्होंने समाज में फैली जात पात की कुरीति का विरोध किया है। यही नहीं, कबीर जी हिंदू और मुसलमान को भी मिलकर रहने का संदेश देते हैं। एक दोहे के माध्यम से कबीर जी कहते हैं, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहें दो म्यान। इस दोहे के माध्यम से कबीर जी कहना चाहते हैं, साधु यानी सज्जन व्यक्ति के ज्ञान का ही मोल होता है, उसकी जाति का कोई महत्व नहीं है। ठीक वैसे ही जिस तरह से तलवार का मोल होता है, ना कि उस तलवार की म्यान का। इस तरह से कबीर दास जी अपनी वाणी के माध्यम से गहरी बातें करते थे और बहुत अच्छा ज्ञान बांटते थे। कबीर दास जी को जुलाहे के रूप में जाना जाता है। उनके जन्म को लेकर भी बहुत सी किंवदंतियां हैं। कहते हैं कि रामानंद स्वामी ने एक विधवा ब्राह्मण स्त्री को गलती से उत्तरवती होने का आशीर्वाद दे दिया था। समाज के डर से उस स्त्री ने बच्चे को पैदा होते ही लहर तारा ताल के पास फेंक दिया, जो कि नीरू नाम के जुलाहे को मिल गया। नीरू, जुलाहा और नीमा उस बच्चे यानी कबीर के असली माता पिता थे या नहीं, इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन कबीर दास जी ने अपने जीवन में जाति और धर्म से उठकर वो काम किया और समाज को वो संदेश दिया, जिनके कारण आज हर धर्म संप्रदाय का व्यक्ति उनका सम्मान करता है। कबीर जी खुद को जुलाहे के रूप में ही बताते हैं। कबीर जी कहते हैं, जाति जुलाहा नाम कबीरा, बनी बनी फिरो उदासी। कबीर जी में निष्ठा रखने वाले कबीर पंथियों का मानना है कि उनका जन्म काशी में लहरतारा तालाब में पुष्प पर हुआ था। कबीर जी के धर्म को लेकर भी बहुत से मत हैं। एक विदेशी इतिहासकार के अनुसार कबीर का जन्म मुस्लिम जुलाहे परिवार में हुआ था और उन्हीं ने उनका पालन पोषण किया था, जबकि एक दूसरे इतिहासकार के अनुसार कबीर के माता पिता हिंदू थे, जो धर्म परिवर्तन के बाद मुस्लिम बने थे। लोगों के अनुसार उनके रहन सहन और खान पान के ढंग में हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों की झलक दिखाई देती थी। वे हिंदू और मुस्लिम के बीच नफरत की दीवार को ख़त्म करना चाहते थे। शायद इसीलिए उनका रहन सहन दोनों धर्मों से मिलता जुलता था। कबीर दास के गुरु। कबीर दास जी ने अपने एक दोहे में लिखा है, हम काशी में प्रगट भए हैं रामानंद चेताए। अर्थात हमारा जन्म काशी में हुआ है और रामानंद जी ने हमें नाम की दीक्षा देकर नया जीवन दिया है। कुछ लोग कहते हैं कि कबीर दास जी जन्म से मुसलमान थे, लेकिन रामानंद जी के संपर्क में आने से वो हिंदू बन गए। एक बार रामानंद जी पंच गंगा घाट पर स्नान कर रहे थे, उस घाट पर कबीर जी गिर गए और रामानंद जी का पैर गलती से कबीर जी के ऊपर पड़ गया और रामानंद जी के मुख से राम राम निकल गया। इसी को कबीर जी ने गुरु मंत्र मान लिया और रामानंद जी को अपना गुरु। भारत के साहित्यिक इतिहास में भी कबीर दास जी का बहुत योगदान है। मसी कागद छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, चारिक जुग को महातम मुखई जनाई बात। कबीर जी कहते हैं, न तो उन्होंने कभी कलम हाथ में ली, न ही कागज और न ही स्याही का स्पर्श किया, लेकिन चारों युगों की बातें उन्होंने मुख के माध्यम से ही बता दी हैं। कबीर जी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन साहित्य में उनका बहुत योगदान था। उन्होंने मुंह से जो भी बोला, उनके शिष्यों ने उसे ग्रंथों में लिख दिया। H.S. विल्सन के अनुसार कबीर जी के द्वारा लिखे ग्रंथों की संख्या 8 है, जबकि एक अन्य इतिहासकार इन ग्रंथों की संख्या 84 बताते हैं। वहीं हिंदू धर्म में इनकी संख्या 71 बताई गई है। कबीर जी की वाणी का संग्रह बीजक में किया गया है, जिसके 3 हिस्से हैं, रमैणी, सबद और सारवी। ये बहुत सी भाषाओं जैसे कि पंजाबी, राजस्थानी, अवधी, पूर्वी, ब्रजभाषा और खड़ी बोली जैसी भाषाओं की खिचड़ी है। दोस्तों, कबीर जी ने दुनिया को अपने दोहों के माध्यम से संदेश दिया है। वे सभी को मिलजुल कर रहने और भाईचारे का संदेश देते रहे हैं।
वो मूर्ति पूजा, कर्मकांड, रोजा, उपवास, मंदिरों में पूजा, मस्जिदों में नमाज पढ़ना, सभी तरह के कर्मकांड के विरोधी थे। उनका मानना था कि ईश्वर हर जगह है। कबीर जी ने अपना पूरा जीवन काशी में बिता दिया, लेकिन मृत्यु के समय वो मगहर चले गए थे। उस समय माना जाता था कि काशी में मृत्यु होने पर स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जबकि मगहर में मृत्यु होने पर नर्क में जाना पड़ता है। इस मिथक को तोड़ने के लिए ही वो मगहर गए थे। दोस्तों, ये थे कबीर जी का जीवन परिचय। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक भी जरूर करें।